सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि है रियल सिस्टम, उसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं दैट इफ आप अभी क्लास 9 से 10th में प्रमोट हुए हैं तो आपके लिए ये टॉपिक न्यू नहीं है। जी मैं फिर से कहूँगा, ये टॉपिक बिल्कुल न्यू नहीं है, क्योंकि जो आपके क्लास 9th में था चैप्टर 1 उससे संभव ही रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो इन दिस चैप्टर वी प्रपोज टू एक्सटेंड और कंटिन्यू आर एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रियल सिस्टम्स दैट वी बिगिन इन क्लास 9th। वी शैल फर्स्ट स्टडी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सो क्या कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम एक्सटेंड करेंगे अपनी जर्नी किसकी, एक्सप्लोरेशन ऑफ रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स हमने जो अपने क्लास 9th के चैप्टर 1 में जो स्टार्ट करे थे उसी की जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू होगी, उसी को आगे प्रोसीड किया जाएगा। सो फर्स्ट इसमें हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है कुछ प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की। सो इंटीजर्स की वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले आप थोड़ा सा रिकैप दे दीजिए रियल सिस्टम का। तो सबसे पहले रियल नंबर्स, क्योंकि ये रिकैप देना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जब आपने लास्ट जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें आपका चैप्टर 1 नहीं रिपीट हुआ होगा एंड दैट इज़ आपको चैप्टर 1 करवे वहाँ टाइम हो चुका है। सो इसलिए आपको पहले थोड़ा सा मैं रिकैप दूँगा। सो रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। सो अब आप कहेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो कोई भी नंबर जो कि p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए, जहाँ पे q इक्वल्स जो ना हो किसके, जीरो के, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। लेट मी ऑल्सो राइट, रैशनल नंबर की अगर आपसे कोई डिफाइन पूछे तो आप अगर ये इमेज अपने माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं तो आप इसकी डिफाइन भी बना लेंगे कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए जहाँ पे क्यू जीरो ना हो तो वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स में भी आपने देखा होगा कि इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स आते हैं जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स आते हैं जो कि माइनस में होते हैं एंड देन फिर रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि अपॉन वाली फॉर्म में होते हैं। सो ये जितनी भी कैटेगरीज थी, होल नंबर्स सॉरी रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स एंड देन इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर में ही फॉल होते हैं। देन एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म भी आपने पढ़ी होगी, सो वो इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 में आएगी, तो वो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है। सो जब मैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करूँगा सर डाटन मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। सो अभी बस आप एक ओवरव्यू ले लीजिए इस चीज़ का। सो ये थी हमारी पहली इसकी टाइप। एक और टाइप होती है जो कि क्या है,
फिर रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। सो यही दो टाइप हैं जो कि ये होती है। इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? जैसे कि रूट वाले, जो कि रूट से कभी बाहर नहीं आ पाते, जैसे कि रूट, जस्ट अ मिनट, रूट टू हो सकता है एग्जाम्पल, रूट थ्री एग्जाम्पल हो सकता है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि कभी रूट से बाहर नहीं आ सकते। इनकी वैल्यू हम एक प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते। और तीसरा होता है पाई। सो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए तीन एग्जाम्पल लिए हैं, रूट टू, रूट थ्री और पाई। पाई की भी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। सो ऐसे आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे मैंने आपको थ्री एग्जांपल्स दे दिए। और रैशनल नंबर्स में बाकी सारे नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल वन वाले, और इंटीजर्स नंबर जो कि माइनस में चले जाते हैं वो वाले, इंक्लूड करके सब वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो यही था आपका रियल नंबर्स का थोड़ा सा रिकैप, जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट था। बाकी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सब हम एक्सरसाइज 1.4 में समझेंगे। तो अभी आपको इसमें कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो एक और चीज़ दैट जो इसमें आप अभी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन यूजिंग फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। आपने अपने चाइल्डहुड से फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म किए। क्या क्या होते हैं वो फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस? फर्स्ट होता है एडिशन, सेकेंड होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट एंड फोर्थ होता है डिवीजन। तो यही वो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन है जो कि आपने अभी तक करें। सो हम यही वाले जो अपने फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर पे परफॉर्म करें। सो ये आप नाइन्थ में भी करके आ चुके हैं और टेंथ में भी इसी को ही कंटिन्यू किया जाए। सो अब मैं आपको बता दूँ कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स जो कि हमने अभी देखी नहीं है। यही चीज़ आपकी स्टार्टर में न्यू होगी, तो चलिए देखते हैं। सो उसको देखने से पहले आपके लिए मैंने टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ली है, जिनका मीनिंग अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो वो प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। नंबर वन है लेमा। लेमा का मीनिंग क्या होता है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। मतलब एक ऐसी प्रूफ स्टेटमेंट है जो कि किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज की जाती है। ये होती है लेमा। और एक वर्ड है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है? ये एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो कि एक प्रोसीजर बताती है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सो ये होते हैं एल्गोरिथम और लेमा। अब इन्हीं दोनों पे बेस्ड, इनके नेम से आपको प्रॉपर्टीज आएंगी। तो उनका नेम आपको क्लियर हो जाए, दैट इज़ व्हाई मैंने ये वाले वर्ड्स आपको पहले क्लियर करने के लिए सोचा था।
सो इफ यू वांट आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि अगर आपको कभी कोई पूछ ले तो आप इनका मीनिंग बता पाए। सो अब बात ये हमारी फर्स्ट वन, ये क्या है, इक्लूइड्स डिवीजन लेमा। तो लेमा का मीनिंग हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, बाकी चीज़ों का मैं मतलब बता दूँ। इक्लूइड्स, इक्लूइड एक पर्सन थे, तो ये इक्लूइड्स कोई टर्म नहीं है, ये किसी का नेम है। डिवीजन का मतलब आप सबको पता है डिवाइड, और लेमा का मतलब अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये था इसके पूरे नेम का मीनिंग। सो चलिए अब इसी को हम समझते हैं कि इक्लूइड्स डिवीजन लेमा के होता क्या है। सो एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर दैट इज स्मॉलर देन बी। सो अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको समझ नहीं आया होगा कि क्या होगा। सो अब हम इसको धीरे धीरे शॉर्ट शॉर्ट करके समझते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि डिवाइड किया जा रहा है और पॉजिटिव इंटीजर बी के साथ इन सच अवे, एक ऐसे तरीके में कि उससे एक रिमाइंडर लीव हो रहा है जिसका नेम है आर, जो कि बी से स्मॉलर है, मतलब वो बी से छोटा है। इफ आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम, जस्ट सी दिस। सो ये फ्लो चार्ट जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये आप अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं एंड होप से आपके माइंड में अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि कोशेंट, रिमाइंडर और डिविडेंट और डिवाइजर क्या होता है पूरे डिवीजन में। तो यहाँ पे जो ए था वो 9 था, बी था वो 2 था, आर जो था वो 1 है और बी जो था वो, अभी यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं ली गई है तो क्या बताया गया है कि जो 1 है, आर जो बचता है वो बी से हमेशा छोटा होता है, तो यहाँ पे 1 है 2 से छोटा है। अब जरा धीरे धीरे दोबारा देखते हैं कि एक इंटीजर ए है 9 है जिसको डिवाइड किया जा रहा है बी के साथ, बी क्या है 2, इस तरीके में कि वो एक रिमाइंडर छोड़ रहा है 1, और वो 1 जो है वो बी से छोटा है क्योंकि 1 2 से छोटा है। सो ये है इक्लूइड्स डिवीजन लेमा। सो एक और चीज़ जो कि आपके पुराने ही कॉन्सेप्ट की है कि डिविडेंट, जो ये डिविडेंट होता है ये वाला, ये इक्वल होता है किसके, डिवाइजर के, मतलब ये 2 यहाँ पे इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 1। सो ये वाली भी आपने चीज़ पहले अपनी क्लासों में पढ़ी हुई है, अभी बस आप सुनते जाइए, अभी आपको कहीं भी और अपना माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अभी समझना है जो जो आपके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई जा रही है। मीन्स डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ आप अपनी छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो यही चीज़ बताती है हमारी इक्लूइड्स डिविजन लेमा, बस इसका थोड़ा सा वे जो है वो लिखने का अलग है, अब वो क्या वे है वो देखते हैं। तो ये तो थी एक बेसिक स्टेटमेंट इक्लूइड्स डिविजन लेमा की। अब मैं आपको देना एक फॉर्मल स्टेटमेंट इक्लूइड्स डिविजन लेमा की। देखिए, फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए and B, there exists unique integers Q and R such that A equals to BQ plus R, where O is greater than equals to R
is greater than b, where a equals to dividend, b equals to divisor, q equals to quotient, and r equals to remainder. So इसमें क्या बताया गया? I think अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा. So ये समझाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ. दैट इज जो नाइन है ये ए, टू जो है वो बी, क्यू जो है वो फोर है, और आर जो है वो वन. अब जरा इसकी वैल्यू इसमें आप डालेंगे तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट जस्ट सेम एज दिस वन. ये जो फॉर्मूला है कि यही है, बिल्कुल सेम. डिविडेंड जो है वहाँ पे, उसकी जगह यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और ए जो है वो डिविडेंड ही है. नाइन जो है वो डिविडेंड ही तो है, और नाइन ए भी एम ई से दोनों सेम है. देन डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? टू, और टू कहता है बी है, तो बी सही जगह पे लिखा हुआ है. इन टू में क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्यू, फिर फोर, तो उसकी जगह यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, और प्लस आर, आर कितना है? वन. सो बस यही चीज़ इसमें बताई जाती है क्रिविट्स डिविजन लेमा में. जस्ट इस ये वाली जो फॉर्मल स्टेटमेंट है हमारी, इसको इसमें इन्होंने ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिया, जहाँ पे क्या होता है कि जो रिमाइंडर जो बचता है वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, या फिर उससे ग्रेटर भी हो सकता है, और रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा होता है किससे? डिवाइजर से. तो ज़रा ये वाला जो हमारा, ये वाली जो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, हम इसको इस वाले फॉर्मूला में अप्लाई करके देखेंगे. सो सबसे पहले ए की जगह में लिख रहा हूँ नाइन, इक्वल्स टू बी क्या दिया हुआ है? टू, इन टू में क्यू, क्यू क्या दिया? फोर, प्लस आर मतलब रिमाइंडर वन. अब देखिए, अगर आप भूल जा रहे हैं कि ए इक्वल्स टू बी, बी क्यू प्लस आर क्या है, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सॉरी ए बी आर क्यू और आर क्या क्या शो कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपके लिए दिया गया है. सो आप कन्फ्यूज ना नहीं होंगे इस टॉपिक को. सब देखिए, इसको इक्वल्स टू में डालने का मतलब ये है कि जब हम ये वाली इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो नाइन की इक्वल ही आएगी. अब कैसे? फोर टू ज़ा एट प्लस वन, और एट प्लस वन कितना होता है? नाइन. देखिए नाइन इक्वल्स टू नाइन आ गया, मतलब ये वाली इक्वेशन से जब इसको सॉल्व करते तो वो हमारी एल एच एस की इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है. सो बस यही बात है क्लुइट्स डिविजन लेमा में. देर इज नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसको समझने का. जस्ट ये यूजुअल लॉन्ग डिविजन प्रोसेस है. क्लुइट्स डिविजन लेमा प्रोवाइड्स अस अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स. दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर इज नोन एज ए क्लुइट्स डिविजन एल्गोरिथम. ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, इसलिए अभी इसे छोड़ देते हैं, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. सो
सबसे पहले हम लेमा वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अभी आगे देखिए, although this result is quite easy to state and understand, it has many applications related to the divisibility properties of integers. We touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of two positive integers. So, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम इस लेमा को क्यों पढ़ रहे हैं। सो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इसको Euclid's division algorithm, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट आएगा, उसमें यूज कर सकें, ताकि अब उसका यूज क्या है, HCF निकालना। तो HCF निकालने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेगी। तो ये यूज होगा एल्गोरिथम में, एंड एल्गोरिथम किसके यूज में आता है, HCF निकालने। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी आप एल्गोरिथम वाली चीज फिर भी साइड कर दीजिए, एल्गोरिथम अभी हम पढ़ेंगे, पहले ये वाली चीज क्लियर हो जाए। सो हियर इज वन एग्जांपल फॉर यू। इन ऑर्डर टू गेट अ फील फॉर व्हाट इक्लूड्स डिवीजन लेमला is, let us consider, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें ली गई हैं, a लिया गया है 217, और 217 क्या है यहाँ पे, डिविडेंट। b क्या है, 5, जो कि क्या होता है, डिवाइजर। एंड हमें क्या करना है, मेक द डिविजन ऑफ 217 बाय 5 हैज अंडर। सो ये वाली जो अभी हमने देखे आए, क्वेश्चन रिमाइंडर डिविडेंड डिवाइजर, अभी हम देख के आए हैं, और यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे भी वही दिखाया गया है कि 217 ए इक्वल्स टू BQ प्लस, ये आपको लर्न कर लेना है, बिल्कुल फॉर्मूला है ये आपका Euclid's division lemma का। इफ आपने ये लर्न कर लिया और आपने अगर इसके जो वैल्यूज हैं वो अगर आपने सही से बना लिए, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे A हमें दिया हुआ है, A ये है, बी 5 है, गिवन है, क्वेश्चन के लिए मैं क्यू लिख रहा हूँ, और रिमाइंडर के लिए मैं आर लिख रहा हूँ। सो यही चारों चीजें हैं, यही हमारे फॉर्मूले में प्रेजेंट है। देखिए जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं, वैसे 217 डिविडेंड को मैंने यहाँ रखा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन करा, प्लस रिमाइंडर करा। तो जब आप इतनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आई वांट कि आप अभी इस वीडियो को देखते देखते इसको सॉल्व करें, एंड जब आप सॉल्व करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि यहाँ पे भी आपको 217 ही मिलेगा। ये वाला ही आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। सब आपके लिए थोड़े सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो रीड करने की जरूरत है, आप इसे खुद भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू वन और टू एग्जांपल। अब देखिए हमें क्या दिया है कि 1A जो है वो 191 है, B 2 है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले वैल्यूज को कंप्यूट करना है। A है 191 और B है 2। अब हमें ये फाइंड करना है कि जो A है
वो बी से बड़ा है या फिर जो बी है वो ए से बड़ा है। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया कि जो ए है वो बी से बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन ठीक हो रही है। तो अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, जो ए है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और इक्वल्स टू में करेंगे बी के। तो ए है हमारा 191 और बी है हमारा क्या 2। अब देखिए हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्यू, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूँ। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये सिचुएशन नॉट सिचुएशन, ये इक्वेशन पूरी बन जाए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया सिचुएशन से, तो ऐसा क्या कर सकते। सो लेट मी टेल यू दैट इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि हमें 2 से कोई ऐसा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि या तो इतना ही लिया 191, या फिर कोई ऐसा नंबर लिया जो कि 191 से छोटा हो। जस्ट लिसन माई वर्ड्स केयरफुली, छोटा हो वो नंबर, 191 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नंबर हमें नहीं लेना। या तो 191 ही हमें मिल जाए मल्टीप्लाई करके, या फिर 191 से छोटा नहीं। तो मैंने देखा कि जब मैं 95 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 190 हो। सो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे 96 कर दूँ तो ये 192 हो जाए, जो कि 191 से ग्रेटर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं ले सकता, इसलिए मुझे 95 से ही इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ऐसे ही मैंने करा कि मैंने यहाँ पे 2 को 95 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे रिमाइंडर भी लिखना पड़ेगा। तब रिमाइंडर कैसे निकलेगा कि जो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला ये वाला, इसको हम माइनस करेंगे इसमें से। मीन्स हम 191 में से 190 को माइनस करेंगे। एंड ये बस इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये हर क्वेश्चन के लिए है। तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1, तो मैं प्लस में लिख दूंगा 1। अब जब आप ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 191 ही मिल जाएगा। सो यही है बस पूरा का पूरा इक्लिप्स डिवीजन लेमा, देयर इज नथिंग एल्स। सो चलिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और सॉल्व करता हूँ सेकंड पार्ट, बट थर्ड और फोर्थ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो आप खुद ट्राई कीजिएगा, आंसर आपके सामने लिखे हुए यहाँ पे। जस्ट सी हमारा सेकेंड पार्ट में है
एज जो है वो 20 है, या फिर रुकिए अभी हम फोर्थ पार्ट लेते हैं, सेकंड मुझे इजी लग रहा है, थर्ड भी ऐसे ही होगा फर्स्ट जैसे, ये फोर्थ वाला डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ए छोटा है और बी बड़ा है। सो इसमें मैं क्या करूँगा, जो बड़ा डिजिट है मैं उसको यहाँ पे रख, इसको इक्वल कर दूंगा छोटे डिजिट के इनटू में, ऑल दो ये इससे थोड़ा सा डिफरेंस करेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन आंसर है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ए बी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि ए जो है वो डिविडेंट है और बी जो है वो डिवाइजर है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से कि आपको दो डिजिट दी हो और आगे 7 दिया और पीछे 15 दिया हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में आप ऐसे करेंगे, अभी यहाँ पे ए बी छोड़ दीजिए, अभी आप सोचिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 एक क्वेश्चन और साथ में दिया 15। मैं अभी यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन का नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपने सारे टॉपिक समझे नहीं है, तो इसलिए अभी आप कर नहीं पाए। सो अभी जस्ट आप देखिए कि कैसे होता है। सो 7 इंटू, अगर मैं 7 2 सा करूँगा तो वो 14 आएगा, अगर मैं 7 3 सा करूँगा तो वो 20 बन जाएगा जो कि 15 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 7 2 सा करूँगा, 7 2 सा 40 एंड 14 को अगर मैं 15 में से माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। सो ये इक्वेशन भी इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। और अगर हम यहाँ के अकॉर्डिंग देखें इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 15, तो ये हम इस तरीके से ही करेंगे कि हमें 7 सामने रखना पड़ेगा, 15 यहाँ पे, एंड क्योंकि अगर मैं 15 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ वो बड़ा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 7 जो है वो बहुत छोटा है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको 0 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ रिमाइंडर में मैं यहाँ पे 7 ही लिख दूंगा, मतलब जो मेरा डिजिट है मैं वही लिख दूंगा। बहुत रेयर केस है, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही मिलेगा कि ए जो होगा वो बड़ा होगा, बी जो होगा वो छोटा होगा, लेकिन जो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, आपको खुद फाइंड करना कंपेयर करके, तो वो एल्गोरिथम वाले में आएगा भी, वो आपके फ्यूचर के लिए है, सभी आप उसे मत देखिए, अभी बस आप ये वाली चीज़ें क्लियर करते जाइए। जैसी ये है हमारा एक लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सल एक लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है हमें, दैट इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द एल्गोरिथम, का मतलब अभी आप समझ के आए हैं, समझ दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। फिर अगेन एक लिविट से किसी का नाम है, डिवीजन का मतलब आपको पता है, सो लेट्स प्रोसीड अगेन। सो इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एच सी एफ। तो यहीं से आपको सबसे पहली जो टर्म मिल रही है एच सी एफ, इसकी आप फुल फॉर्म लर्न कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और टर्म आएगी अभी आपके चैप्टर में एल सी एम, जो कि एक्सरसाइज 1.2 में आएगी, तो वो भी नहीं बताई जाएगी आपको, अभी आप बस एच सी एफ ही पढ़िए, उतना ही सफिशियंट। जैसे जैसे जो जो टॉपिक आता जाएगा वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएंगे। सो अभी जो जो आ रहा है सिर्फ आप वही वही पढ़िए। सो एच सी एफ आ चुका है, एच सी एफ की फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए,
और फुल फॉर्म आपको पता है तो शॉर्ट फॉर्म लर्न कर लीजिए HCF. हैव टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये क्या एक टेक्निक है क्या करने के लिए HCF निकालने के लिए, कोई भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ पे आपको स्टेप्स भी दिए गए हैं, स्टेप वाइज आप इनको रीड कर सकते हैं, बट आई एम श्योर इनको रीड करने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप चाहे कोई भी बुक उठा लीजिए उसमें इतना डिफिकल्ट तरीके से दिया हुआ है इफ़ आप इंट्रोडक्शन में देखें तो. सो इफ़ आपसे कोई ऐसा पूछता है कि ऐसे स्टेप्स में बताओ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेप वाइज दिया हुआ है. लेकिन अगर आपको ओरिजिनलिटी में करना हो सो इसको फॉलो मत कीजिएगा, इससे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. जस्ट सी द बहुत शॉर्ट चीज़ है इसमें, लेकिन बहुत लॉन्ग करके बनाई हुई है NCERT में भी और सारी बुक्स में. सो चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. सो क्वेश्चन ही ले लिया है मैंने इसमें, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यूज इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम. जो जो आपके क्वेश्चन में चीज़ें आती जाती है जो उनका मतलब आपको पता है, उन उन चीज़ों का आप अंडरलाइन करते जाइए साथ साथ. तो फाइंड द HCF, इसमें हमें क्या फाइंड करना है HCF, इस इसका 867 का 225 का. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट, तो वही इसी में ही था कि क्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि HCF फाइंड करो दो डिजिट का. अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि बड़ी डिजिट आगे दी हुई हो, ऐसा भी होता है कि 225 आगे दिया हो सकता है और 867 पीछे. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है, और कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है. तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 867 जो है वो बड़ा है किससे, 255 से. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है, जस्ट अ मिनट, ये जितनी भी लाइंस हैं ये आपको नहीं लिखनी है, बस आपको जो जो चीज़ें करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ. ये पहली लाइन में नहीं लिखनी, जस्ट आपको समझाने के लिए दिया हुआ है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करें, लेकिन जब आप कर लेंगे तो फिर आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 867 बड़ा है, उसको मैंने हाँ लिख दिया, इक्वल्स टू में मैंने डाला 255. अब मैं 255 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा और 4 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा. जब मैंने 2 से करा तो छोटा आ रहा नंबर, जब मैंने 3 से करा तो उससे थोड़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी 867 से छोटा है. और जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे पता चला कि वो नंबर इससे ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है 867 से. तो मैंने क्या फाइंड करा कि जो 3 वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा एक आंसर आया, तो मुझे क्या करना है 867 में से इस आंसर को माइनस कर देना है, और माइनस करके जो भी नंबर आएगा मुझे उसको यहाँ पे लिख देना है. अब वो नंबर यहाँ पे लिख चुका,
अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें देखने हैं, तो ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर। ये स्टेप वन था, अब स्टेप टू शुरू कर रहे हैं हम। तो मुझे इन दोनों नंबर में से देखना है कि बड़ा कौन सा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 255 बड़ा है, तो मैं क्या कर दूँगा, अब 255 को मैं 867 की जगह लिख दूँगा और 102 को मैं 255 की जगह लिख दूँगा। अब फिर हमें वही करना है, हमें इसे 2 से 3 से 4 से जितने भी मतलब नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि या तो आंसर जो है वो इसके इक्वल आ जाए मल्टीप्लाई करके या फिर इससे छोटा आए। तो जब मैंने इसे 2 से करा तो मुझे पता चला कि इससे छोटा आ रहा है, और मैंने 3 से करा तो उससे बड़ा आ रहा है। तो मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को जो आंसर मिला मैंने उसे 102 में से सबट्रैक्ट करा और मुझे क्या आंसर मिला, मैंने उसे 255 में से सबट्रैक्ट करा तो मुझे क्या आंसर मिला, 51। फिर से वही स्टेप करना है, 102 और 51 को मुझे देखना है इन दोनों में से जोन सा में नंबर छोटा है सॉरी बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे 102 बड़ा है तो मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा और 51 छोटा है तो मैं इसको इक्वल्स में करके यहाँ पे लिख दूंगा। अब फिर 51 से कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे छोटा है। तो अब मैंने देखा कि जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा तो मुझे 102 ही आंसर में मिल रहा है। तो मैं ऐसे करूँगा 51 × 2 करके प्लस में 0 लिख दूंगा क्योंकि आंसर मुझे 0 ही मिलेगा माइनस करके। सब आप सोच रहे होंगे कि हमने इतनी बारी क्यों करा है। लेमा में तो हमने देखा था कि बस हमने एक ही बारी करके छोड़ दिया था, लेकिन लेट मी टेल यू कि वो लेमा था और ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम किस लिए यूज़ किया जाता है, HCF फाइंड करने के लिए, और HCF तभी निकलेगा जबकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा। तो ये प्रोसेस हम तब तक चलाते जाएंगे जब तक रिमाइंडर में यहाँ पे ज़ीरो ना आ जाए किसी भी नंबर के। तो हमें यही काम करना है कि जब तक यहाँ पे रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आ रहा है हमें स्टेप रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना। एंड यहाँ पे 2, 3 आ रहे हैं डजेंट मीन कि इतने ही नंबर आएंगे इससे छोटा नहीं आएगा। कहीं कहीं पे आप 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं इसे। सो यही कुछ केसेस हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। बाकी ये सारी लाइन जो मैंने बोली हैं ये आपको कुछ नहीं लिखना है, आप सीधा ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और 3 में आप क्या करेंगे, जहाँ पे 0 आ चुका है रिमाइंडर वहाँ पे आप इस वाले नंबर को सर्कल लगा लेंगे 51 को, एंड आंसर वाली लाइन आपकी ये होगी जो लास्ट होगी। देयरफॉर द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। जो यहाँ पे आएगा नंबर वही इसका HCF होगा। सो यही बताया गया है पूरे के पूरे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। एंड अभी जो आप स्टेप्स देख रहे थे वो आपने खुद ही देख लिए कि कितने डिफिकल्ट तरीके में जो पीछे रिटन फॉर्म में थे ये वाले फॉर्म में ये बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा वो कितना ईजी था। सिर्फ हमने लेमा वाले उसको यूज़ करा है यहाँ पे और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो ये वीडियो जो थी ये हमारी यहीं तक थी। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के साथ।
और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं उसी में रखूँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखेगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय।